नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हो आप सभी? टाइम से आप में से कई सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया कि हमें सिरसासन या हेडस्टैंड सीखना है, तो लीजिए जी आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी जिसको अप्लाई करके आप कुछ ही दिनों में हेडस्टैंड सीख जाएंगे। और जो लोग भी हेडस्टैंड ना कर पाए, यानी अपना पैर ऊपर सर नीचे की तरफ ना कर पाए, उनको मैं छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी, उनको आप अप्लाई करके आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो सारे बेनिफिट मिलेंगे जो आपको हेडस्टैंड से मिलने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आसन से होने वाले बेनिफिट्स की। दोस्तों हेडस्टैंड या सिरसासन को किंग ऑफ ऑल आसन कहते हैं, यानी हर एक आसन के राजा के नाम से इस आसन को जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब आप सिरसासन करते हैं तो हमारे शरीर में उपस्थित जो 7 चक्र हैं उसमें से सबसे ऊपर वाला मेजर चक्र है जो सहस्रार चक्र, वो एक्टिवेट होता है। इस आसन के निरंतर अभ्यास से आपके ब्रेन को काफ़ी रिच मात्रा में ब्लड की सप्लाई होती है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ। फर्ज कीजिए ये हमारी बॉडी है और हमारी बॉडी में उपस्थित ये ब्लड है। हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करने के लिए हमारा जो हार्ट है उसको एक तरीके से पंपिंग करनी पड़ती है, फिर जाके कहीं हमारे पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई होती है। वहीं जब आप हेड स्टैंड करते हैं, सिरसासन करते हैं, तो इस तरीके से आपका पैर ऊपर की तरफ और सर नीचे की तरफ हो गया। इससे क्या हो गया कि आपके जो अपर बॉडी है उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में ब्लड की सप्लाई हुई। इससे क्या हुआ, अगर आपके बाल झड़ते हैं वो नहीं झड़ेंगे, अगर आपके चेहरे में रौनक नहीं है, ग्लो नहीं है तो वो आएगी। आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपकी किडनी, लीवर, लंग्स, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स, आपकी इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स को अच्छी मात्रा में ब्लड की सप्लाई होती है। इसके साथ साथ आपके ब्रेन को काफ़ी रिच क्वांटिटी में ब्लड की सप्लाई होती है। आपके ब्रेन में उपस्थित जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, वहाँ से मेजर जो हॉर्मोन्स हमारे शरीर को निकलते हैं, सिक्रीट होते हैं, वो काफ़ी अच्छी मात्रा में सिक्रीट होते हैं, उसका फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है। आपको पता तो है ना कि अगर हमारे शरीर में हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाए तो हम कई सारी बीमारियों से घिर जाते हैं, हमारे शरीर की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो ये आसन आपके शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, आपके आँख नाक कान का जो फंक्शन है वो भी इम्प्रूव होगा, यानी आपकी आँख के देखने की क्षमता, आपके सुनने की क्षमता, आपके सूंघने की क्षमता, यानी सेंसेशन आपका बढ़ जाएगा, आपके जो भी सेंसेस हैं वो काम करना बहुत अच्छी तरीके से शुरू कर देंगे। दोस्तों इसके अलावा आपको अगर वेरिकोज वेन की समस्या, यानी बहुत टेढ़ी मेढ़ी सी आपकी नसें हो जाती हैं, आपका ब्लड ब्लॉक हो जाता है, वो भी सिरसासन से दुरुस्त हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ सावधानियों की जो कि आपको ध्यान में रखना है। चूंकि ये इन्वर्टेड पॉस्चर है, यानी आपका पैर ऊपर की तरफ सर नीचे की तरफ, तो जो भी लोग हार्ट के पेशेंट हैं, जो भी लोगों को हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, प्रेगनेंसी के दौरान, पीरियड्स के दौरान, ये सारे लोगों को आसन नहीं करना है। आपको ग्लूकोमा की अगर समस्या है तो भी आपको नहीं करना है। अगर आपको जिस वक्त सर में दर्द हो, हेडेक हो, उस वक्त भी सिरसासन का अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। तो ये जान लेते हैं वो टेक्निक जिसकी मदद से हम करेंगे हेडस्टैंड। दोस्तों सिरसासन का अभ्यास आपको खाली पेट करना है, और जब आप सारे आसनों का अभ्यास कर ले, जब आपकी बॉडी थोड़ी वार्म अप हो जाए, उसके बाद ही आप सिरसासन का अभ्यास करें। इस आसन को करने के लिए कुछ प्रिपरेटरी आसन मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपकी आर्म्स को स्ट्रेंथ मिलेगा, आपके पेट को, आपकी कोर को स्ट्रेंथ मिलेगा, जिससे आप अपनी बॉडी को उल्टा कर पाने में इजीली सहायक होंगे ये सारे आसन। सबसे पहले हम करेंगे डॉल्फिन पोज। उसके लिए अपने हाथों को इस तरीके से, बाजुओं को इस तरीके से मेजर कर लें, अपने हाथों को अपने शरीर से थोड़ा दूरी पर रखें, दोनों हाथ को खोलें, हाथों को इंटरलॉक करें। अब अपने पैरों की स्थिति इस तरीके से रखें, गहरी लंबी सांस लें, इनहेल एक्सहेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए अपने नाक को सामने टच करें, इनहेल करते हुए बैक, वापस से सामने, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल एंड कम बैक। अब देखिए इससे क्या होगा कि आपकी बाजुओं को स्ट्रेंथ मिलेगी, आपके कोर को स्ट्रेंथ मिलेगी, जिससे आप आसानी से हेडस्टैंड कर पाएंगे। अब बहुत से बिगनर होंगे जिनको ये करना थोड़ा चैलेंजिंग होगा, तो सिर्फ इतना कर ले, 1, 2, 3, 4, हर दिन आपको 8 से 10 बार तो ये रिपीटेशन करने हैं, 10-10 का 3 राउंड कर लेना, यानी 10-10 का रिपीटेशन करके 3 राउंड कर लेना। तो ये हो गया बिगनर के लिए। अब थोड़ी देर रिलैक्स कर लेंगे शशांक आसन में इस तरीके से।
अब इसके बाद ये आसन आप दीवार के थोड़ा करीब करना, जिससे आपके आपको जो भी डर होगा वो निकल जाएगा। अब वापस से हाथों को उसी तरीके से मेजर कीजिए और इस बार अपने हाथों को अपने शरीर के पास रखिएगा। दोनों हाथों को खोलिए, दोनों हाथ के पंजों को इस तरीके से इंटरलॉक कीजिए, उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए। अब अपने सर का जो क्राउन है, अपने सर का ऊपरी हिस्सा है, जहाँ पे आप देखते हो कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका वो पार्ट जो है बहुत कोमल होता है, वही जगह क्राउन, उसको आप अपने दोनों हाथों के बीच में इस तरीके से रख दीजिए। अब दोनों पैरों के जो पंजे हैं इसको इस तरीके से टक कीजिए और अपनी नीज को सीधा कर दीजिए। अब धीरे धीरे अपनी सर की तरफ इस तरीके से वॉक करते हुए आते हुए एक पैर को इस तरीके से मोड़े के जब आपको थोड़ा सा बैलेंस नज़र आने लगे, थोड़ा सा लगे कि बैलेंस आ गया है, तो दूसरा पैर इस तरीके से मोड़ लें। इस स्थिति में थोड़ा देर अपने शरीर को होल्ड करिए और फिर धीरे धीरे अपने जो कमर है, कमर से अपने पैर को इस तरीके से सीधा करने की कोशिश कीजिए। अब धीरे से एक पैर उठाइए, जब बैलेंस बन जाए तो दूसरा पैर उठाइए और कुछ देर इस स्थिति में होल्ड कीजिए, जितनी देर भी होल्ड कर सकते हैं। वापस आने के लिए वापस से अपने पैरों को इस तरीके से मोड़िए, कमर से ये मुड़ गए आपके पैर। अब धीरे से एक पैर डाउन और दूसरा पैर डाउन और रिलैक्स कर रहे हैं शशांक आसन में। एकदम से उठना नहीं है, एकदम से उठने से क्या होगा कि अभी आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके सर की तरफ था, एकदम से उठेंगे तो हो सकता है चक्कर आ जाए। कुछ देर यहाँ पे रिलैक्स करने के बाद 20 से 30 सेकेंड रिलैक्स कर लीजिए, एक मिनट रिलैक्स कर लीजिए और फिर वापस। अब थोड़ा और जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपको एकदम से एक दिन की कहानी है नहीं है कि आपने एक दिन प्रैक्टिस किया, ये टेक्निक फॉलो की, एक दिन में आ गया। तो आप धीरे धीरे आप इसको अप्लाई करेंगे। आप जो भी लोग बिगनर हैं, जो लोग अपना पैर ऊपर नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ इतना कर लें, दोनों हाथों को इस तरीके से अपनी बॉडी के पास रखें, दोनों हाथों को खोलें, इंटरलॉक करें और अपने जो सर का क्राउन है उसको इस तरीके से रख के सिर्फ यहाँ पे होल्ड करें। कुछ देर स्थिति वन होल्ड करें, ये हो गया स्थिति नंबर वन। कुछ देर यहाँ पे होल्ड करें, जिन लोगों को आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो यहाँ पर रहें। इसमें भी देखिए कितना अच्छा जो ब्लड का सर्कुलेशन है आपके ब्रेन की तरफ जा रहा है। अब अगर थोड़ा इससे और आगे जाना चाहें तो आप धीरे धीरे अपने पैरों को इस तरीके से अपने बॉडी की तरफ लाएं। आप देखेंगे कि एक तरीके का पुल हो रहा है, आपकी बॉडी थोड़ा अपने आप को पुल करना चाहती है। तो कुछ देर, कुछ दिनों तक इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। जब आपको लगे कि थोड़ा और बैलेंस बन गया है और चूंकि पीछे दीवार है तो धीरे से एक पैर उठाने की इस तरीके से कोशिश करें। कुछ दिन इस तरीके से कोशिश करें और जब लगे कि दोनों पैर उठा सकते हैं तो इस जगह पे यहाँ पे होल्ड करें। ये भी होल्ड करना यहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन आप सभी कर सकते हैं कुछ दिन अभ्यास करें तो। फिर धीरे धीरे कुछ दिनों तक इस जगह पे होल्ड करें, चूंकि पीछे आपके दीवार होगी तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आप गिर जाएंगे। और फिर जब ये अभ्यास हो जाए, यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो आप 90% पहुँच गए और धीरे से अपने पैरों को इस तरीके से सीधा कर देना है। फिर वापस आने के लिए सेम स्टेप है, रिलीज एंड रिलैक्स। यही चीज थोड़ा दीवार का सहारा लेके करेंगे। किस तरीके से इस जगह पे होल्ड किया खुद को और इस तरीके से दीवार का सहारा ले लिया और धीरे धीरे अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। जब बैलेंस बनने लगे दोनों पैरों को इस तरीके से हवा में छोड़ दीजिएगा और आपके बाजू बहुत मदद करते हैं हेडस्टैंड को होल्ड करने में। आपका जो भी प्रेशर है वो आपकी गर्दन पे ना हो के बल्कि आपकी बाजुओं पे होता है। इस तरीके से धीरे धीरे डाउन आएंगे, कोई भी जल्दबाजी मत कीजिएगा,
बहुत धीरे धीरे ये स्टेप्स को आगे प्रोग्रेस करेंगे। और जब हमारा अभ्यास हो जाए तो हम बिना दीवार के सहारे किस तरीके से करेंगे, कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। यहाँ पे 30 सेकंड तक होल्ड करने का मतलब है कि काफी अच्छी तरीके से आपको अपने बाजुओं पे काम करना पड़ेगा, आपके जो कोर है उसकी स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ेगा, और रिलैक्स इन शशांकासन। तो दोस्तों जब मैंने योग करना सीखा था, आई विश कि मुझे उस वक्त ये टेक्निक पता चल जाती, क्योंकि जब मैंने योग करना शुरू किया था तो मुझे इस तरीके की टेक्निक पता नहीं थी। कई सारी गलतियां करने के बाद, गिरने पड़ने के बाद मैंने हेड स्टैंड फाइनली सीख लिया था, लेकिन फिर जब मैं अपने गुरुजी से मिली उसके बाद मुझे ये टेक्निक पता चली। तो मैंने सोचा कि ये टेक्निक आपको भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हेड स्टैंड करते वक्त कई सारी गलतियाँ करते हैं और अपने आप को इंजरी करते हैं, इंजर्ड कर लेते हैं। आई डोंट वॉन्ट कि आपको किसी भी तरीके की इंजरी हो, तो ये सारे स्टेप आप ज़रूर फॉलो करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने जब हेड स्टैंड किया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आशा करती हूँ आज की वीडियो में बताई गई स्टेप बाय स्टेप ये जो जानकारी है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और आप अपने घर पे ही सिरसासन का अभ्यास ज़रूर करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी अपनी फिटनेस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।